हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल इस चैनल में हम यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और इम्पोर्टेंट अपडेट्स को शेयर करते हैं अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज हम देखने वाले हैं कि दोनों शिफ्टों में सेवेंटींथ को यानी आज कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं कौन से नए टॉपिक्स आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एंड कौन से टॉपिक्स इस एग्जाम में पहली बार पूछे गए हैं तो अब देखते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना है एक जो क्वेश्चन आया है वो आया है कैप्शा के ऊपर कैप्शा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में आप जब गए हैं तो कैप्शा का जो टूल है वो आ जाता है ये बेसिकली यूज किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट असली यूजर्स को और ऑटोमेटेड यूजर्स को उस वेबसाइट को कोई बॉट तो एक्सेस नहीं कर रहा है ये देखने के लिए जो कैप्शा का टेस्ट होता है वो होता है ये जो प्रश्न है ये पहली बार पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जामों में अगला क्वेश्चन आया था आईपी एड्रेस के ऊपर ये जो प्रश्न है वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है बट इस एग्जाम साइकिल में पहली बार पूछा गया है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ये बेसिकली जो हर डिवाइस होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है इसको एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है ताकि जो डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई करा जा सके ये जो आईपी एड्रेस दिया जाता है ये यूजुअली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है इस आईपी एड्रेस के द्वारा ही जो ऑनलाइन डिवाइसेस होते हैं जो इंटरनेट पे डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो इंडिविजुअल डिवाइस होता है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो ये हो गया आईपी एड्रेस के ऊपर ये क्वेश्चन आया था जो डीआई के ऊपर क्वेश्चन आया था वो सुना है बहुत टफ आया था एक्जैक्टली exactly परसेंटेज पे था रेशियो पे था वो सब डिटेल्स नहीं है जो आर आया था वो पोल्यूशन के ऊपर आया था इसके अलावा टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था दोनों शिफ्टों में ये तो हमेशा ही होता है एक क्वेश्चन जो आया था वो ओपन यूनिवर्सिटीज के ऊपर आया था इसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था जब से वो ओपन हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज पे पूछे जा चुके हैं अगर आपने वो क्वेश्चन करे थे तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर पाते क्वेश्चन आया था टाइम एंड स्पीड पे एंड ये दोनों शिफ्टों में पूछा गया था इस साइकिल में पहली बार टाइप वन एरर के ऊपर क्वेश्चन आया था तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टाइप टू एरर के बारे में भी पढ़ लें इसके अलावा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया था स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था एंड ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था वायरस और एंटीवायरस के ऊपर क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए हैं इसके अलावा मेलवेयर स्पाइवेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आया था नालंदा और तक्शिला यूनिवर्सिटी के ऊपर एंशियंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके अलावा क्वेश्चन आया था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पे ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल हेग्जा डेसेमल ऑक्टल तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप रिवाइज कर लें एक क्वेश्चन आया था ग्रुप डिस्कशन के ऊपर इसके अलावा इवेल्युएशन सिस्टम के ऊपर इस साइकिल में पहली बार क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था प्लेगरिज्म के ऊपर कल हमने देखा था दोनों शिफ्टों में प्लेगरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा था एंड ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी रेगुलेशन ऑफ 2018 के ऊपर थे क्वेश्चन आया था एथनोग्राफिक रिसर्च के ऊपर ये जो टॉपिक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है एंड ये फिर से रिपीट हुआ है फैलेसी के ऊपर अब तक जितनी शिफ्टें हुई हैं वो सब में आया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन फिर से रिपीट हुआ है एक क्वेश्चन आया है ईमेल के ऊपर क्वेश्चन आया है प्री इंडिपेंडेंस एडुकेशन कमीशन के ऊपर मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि एडुकेशन कमीशन जो है इंपॉर्टेंट वो आप रिवाइज कर लें कौन से एडुकेशन कमीशन रिवाइज करने हैं आप जो कल की वीडियो है उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन आया था पलूटेंट गैस के ऊपर इंडियन लॉजिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था अनुमान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था लेटर सीरीज के ऊपर यह पिछली शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन आया था टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर मेथड्स ऑफ टीचिंग पे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस शिफ्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर मल्टीपल शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस बार टी टेस्ट जेड टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एफ टेस्ट का बारे में भी पढ़ लें आगे की शिफ्टों में ये पूछे जा सकते हैं इसके अलावा रिसर्च एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये नियरली हर शिफ्ट में पूछे गए हैं रिसर्च मेथड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया है आईसीटी इन रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आया है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं तो ये था आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आई होप आपको ये यूजफुल लगा अगर आपको यूजफुल लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग